नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रमुख देशों के नए प्रधानमंत्री इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो अपडेट है 3 जून 2023 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में 25+ देशों के जो है प्रधानमंत्री कवर करेंगे। अभी हाल ही में जो है कई देश के प्रधानमंत्री बदले हैं, तो इस वीडियो में फुल्ली डिटेल से अपडेट के साथ मैं बताऊंगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जो है पार्ट 1 है, जिसमें मैं 25+ देशों के प्रधानमंत्री कवर करूंगा। इसके बाद आपको पार्ट 2 जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में मलेशिया की प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं कौन? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनवर इब्राहिम। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात की जाए मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी जो है ये है क्वालालंपुर। आप सभी लोग याद रखिएगा, क्वालालंपुर जो है ये मलेशिया की राजधानी है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जो हैं अभी हाल ही में बने हैं अनवर इब्राहिम, तो इनको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में नाइजर के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो नाइजर के प्रधानमंत्री हैं ये हैं कौन? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओहू मऊदू महामदू जो हैं ये नाइजर के प्रधानमंत्री हैं। अगर बात की जाए नाइजर की, तो नाइजर की राजधानी जो है ये है नियामी। आप सभी लोग याद रखिए, नाइजर की राजधानी नियामी है। ओहू मऊदू महामदू जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं नाइजर के, राजधानी जो है नियामी है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री बनी हैं ये बनी हैं सना मारिन। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सना मारिन जो है फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अगर बात की जाए फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी जो है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। आप सभी लोग याद रखिए, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और सना मारिन जो है फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कांगो रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं ये बने हैं अनातोले कोलिनेट माकोसो। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए कांगो गणराज्य की, तो कांगो गणराज्य की राजधानी जो है ये है किसानसा। आप लोग याद रखिए, किसानसा जो है राजधानी है कांगो गणराज्य की। और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं नए, ये हैं अनातोले कोलिनेट माकोसो। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के जो प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद सिया अल सुदानी। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए इराक की, तो इराक की राजधानी जो है ये है बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। और इराक के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं निकोल पाशिन्यान। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निकोल पाशिन्यान जो हैं ये आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात की जाए आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया की राजधानी जो है ये है एरेवान। आप सभी लोग याद रखिए, एरेवान जो है ये आर्मेनिया की जो है राजधानी है। और निकोल पाशिन्यान जो हैं ये हैं प्रधानमंत्री आर्मेनिया के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में मोरिटानिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मोरिटानिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं कौन? मोहम्मद ओल्ड बिलाल। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद ओल्ड बिलाल जो हैं मोरिटानिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मोरिटानिया की जो राजधानी है ये क्या है? तो मोरिटानिया की राजधानी है नोउ अक्चोत। आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए, नोउ अक्चोत जो है ये है राजधानी मोरिटानिया की, नोउ अक्चोत। अगर बात की जाए मोहम्मद ओल्ड बिलाल जो हैं मोरिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में इसराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात हुई है इसराइल की, तो इसराइल की राजधानी क्या है? तो इसराइल की राजधानी जो है जेरूसलम। इसराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं ये इसराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में पेरू के जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेरू के जो प्रधानमंत्री बने हैं
ये बने हैं बेट्सी सावेज। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेट्सी सावेज जो हैं पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात की जाए पेरू की, तो पेरू की राजधानी जो है ये है लीमा, और पेरू के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं बेट्सी सावेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में हेती के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो हेती के जो प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हेती के प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी। अगर बात की जाए हेती की, तो हेती की जो राजधानी है ये क्या है? तो हेती की राजधानी है पोर्ट आउ प्रिंस। पोर्ट आउ प्रिंस जो है ये है हेती की राजधानी, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए हेती के जो प्रधानमंत्री कौन हैं, तो एरियल हेनरी जो हैं प्रधानमंत्री हैं। पोर्ट आउ प्रिंस जो है हेती की राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में क्यूबा के जो है प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो क्यूबा के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं कौन? मैनुअल मोरेरो क्रूज। तो यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैनुअल मोरेरो क्रूज जो हैं ये क्यूबा के प्रधानमंत्री हैं। क्यूबा की राजधानी है हवाना। मैनुअल मोरेरो क्रूज जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं क्यूबा के। अगले जो क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में मंगोलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं ये हैं कौन? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लब्सनाम सरेन अयोम एड्रीन। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मंगोलिया की जो राजधानी है ये क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है, आप सभी को पता होगा। मंगोलिया के जो प्रधानमंत्री हैं लब्सनाम सरेन ओयोन एड्रीन। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में माली के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो माली के प्रधानमंत्री हैं ये हैं मोक्टर ओयने। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माली की राजधानी है बमोको। बमोको जो है ये है राजधानी किसकी? माली की, बमोको। और यहाँ पे मोक्टर ओयने जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं माली के। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं ये हैं कौन? तो ये हैं लियो वार्डकर। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड की राजधानी जो है ये है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, और लियो वार्डकर जो हैं ये हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में इटली की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की नई प्रधानमंत्री बनी है जियोर्जियो मेलोनी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इटली की नई प्रधानमंत्री बनी है जियोर्जियो मेलोनी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इटली की राजधानी जो है रोम है, आप सभी को पता होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एस्टोनिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं काजा कल्लास। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एस्टोनिया की बात की जाए, तो एस्टोनिया की राजधानी जो है ये है तालिन। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, तालिन जो है ये राजधानी है एस्टोनिया की, और काजा कल्लास जो है ये प्रधानमंत्री हैं एस्टोनिया के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं डेनिश शमिहाल। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी जो है आप सभी को पता होगा, अभी ये चर्चे में है, कीव। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, और यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं डेनिश शमिहाल। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहाल। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की राजधानी जो है ये है काठमांडू। यहाँ पे आप लोग जो है काठमांडू कर लीजिए, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगर बात की जाए नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहाल, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो सोमालिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए सोमालिया की, तो सोमालिया की राजधानी जो है ये है मोगादिशु। मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है, और सोमालिया के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में गुआना के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो गुआना के प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे
ये करेक्ट हो जाएगा। गुआना की राजधानी जो है ये है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन जो है ये राजधानी है किसकी? गुआना की। आप सभी लोग याद रखिए, मार्क फिलिप्स जो हैं गुआना के प्रधानमंत्री हैं, ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। मार्क फिलिप्स जो हैं ये गुआना के जो है प्रधानमंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं मार्क रूट। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी जो है ये क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है ये राजधानी है किसकी? नीदरलैंड की। मार्क रूट जो हैं ये हैं प्रधानमंत्री नीदरलैंड के। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जॉर्डन के जो प्रधानमंत्री हैं वेशर अल खानवा ने। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी जो है ये है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी जो है ये है अम्मान, और वेशर अल खानवा ने जो है ये हैं जॉर्डन के प्रधानमंत्री। आप सभी लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं पैट्रिक जोरेम अची। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं पैट्रिक जोरेम अची। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए आइवरी कोस्ट की राजधानी, तो आइवरी कोस्ट की जो राजधानी है ये दो हैं। पहली राजधानी जो है ये है यामोशुक्रो में लिख देता हूँ, यामोशुक्रो जो कि राजधानी क्या है ये है राजनीतिक राजधानी यामोशुक्रो। अगर बात किया दूसरी राजधानी जो है अबिजान राजधानी जो है ये आर्थिक राजधानी है। यामोशुक्रो जो है ये राजनीतिक राजधानी है आइवरी कोस्ट की, और आइवरी कोस्ट की जो आर्थिक राजधानी है अबिजान है। आप सभी लोग याद रखिए। पैट्रिक अची जो हैं ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं अबी अहमद। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इथियोपिया की राजधानी जो है ये है अदिस अबाबा जो है ये राजधानी है किसकी? ये है इथियोपिया की, और अबी अहमद जो है इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वर्तमान में वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वियतनाम के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ये हैं फाम मिन्य चीन ने। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए वियतनाम की, तो वियतनाम की जो राजधानी है ये है हनोई। तो वियतनाम की राजधानी जो है ये है हनोई, और फाम मिन्य चीन ने जो हैं ये हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री। तो आज की इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। अब 26 से लेके आपको जो है 50 तक मैं 25 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में कराऊंगा, मतलब कि पार्ट टू में मैं करवाऊंगा। जो 25 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये जो है पार्ट वन था। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।